ब्लॉग शुरू करने से पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज प्रतीक बोरुड़े। दिस इज सिंप्लीफाइड लाइफस्टाइल एंड ब्लॉगिंग चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो इट्स डे 4 एंड भाई साहब, कल के ब्लॉग के सपोर्ट के लिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अभी जाके मुझे फील हो रहा है कि जी मैंने कुछ तो हासिल किया है। मतलब कहीं तरी का मोलाचं खरं अभिमान वाटतं आहे स्वतःलाच एक बरोबर। आणि हालांकि तो व्लॉग आता खूब जाना, हालांकि वो व्लॉग काफ़ी कम लोगों ने देखा है, बट उसमें से इवन 75-80% लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम्स आए कि भाई तुझे कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और आपकी हेल्थ की केयर कीजिएगा। जी मुझे कोविड था जी, और वो भी एक दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी हद तक भी नहीं कह सकते। ये बात मुझे अगर मेरे वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के रहे तो, अगर आप ड्रामा की वगैरह प्रैक्टिस करते, तालीम अगर आप करते हो, दोबारा अगर आपने ड्रामा की फुल रिहर्सल की तो उस टाइम आपको जो वीकनेस फील होता है वही सेम वीकनेस मुझे था। और भाई साहब हमने प्रैक्टिस तो 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 बार किए, तो इसलिए इतनी बड़ी वाली दिक्कत मुझे कुछ नहीं लगी। खैर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और वही एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों का अलग अलग है। मतलब काफ़ी लोग काफ़ी सीरियस भी है, किसी को अगर सुबह उनका रूटीन चेकअप हुआ तो वो नॉर्मल थे, और थोड़ी देर बाद उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक गिर गया था और उन्हें घाटे में जो मेन सिविल हॉस्पिटल वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा था। तो भाई साहब इसे इतना लाइटली भी मत लीजिएगा और इसे इतना डरिए भी मत जी। दोनों के बीच बैलेंस बनाए कर रखिए, दोनों के बीच में जो पतली लकीर होती है उसके ऊपर आपको रहना होगा। और एक बात पता है आपको, अगर आपको कोविड से ज़्यादा जल्दी रिकवर होना है तो उसके लिए कुछ टिप्स है जो कि आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। जी आज के ब्लॉग की बात करते हैं भाई साहब, कल के मुकाबले आप देख ही सकते हैं तबीयत हमारी काफ़ी सही लग रही है। कफ वगैरह कुछ नहीं मुझे, मतलब कफ नहीं, खांसी रहे, हेडेक नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनर्जी लेवल भी काफ़ी सही है, डेली वाली एनर्जी लेवल है सॉर्टेड। बात करते हैं आज के कार्यक्रम की भाई साहब, आज का कार्यक्रम कुछ अलग होने वाला है। मेरा जो रूम पार्टनर है अनिल बोर्डे, वो एक्चुअली एक गांव की तरफ रहता है, वो ड्राइवर लाइन में, मतलब ड्राइवर की नौकरी वगैरह करता है। तो हमने एक चैलेंज किया था, चैलेंज नहीं कह सकते उसे, हमने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया था हमारे मोबाइल के साथ, फोटोग्राफी वाला, फोटोग्राफी एक फिल्म मेकर से, मतलब फोटोग्राफी भाई साहब जज्बात लाइन बदल दिए, वो वाली फील मुझे आ रही है। और सच बताओ तो फोटोग्राफी का मुझे इतना पता नहीं, बट मेरा एक फ्रेंड है और काफ़ी सही फोटोज़ क्लिक करता है, तो उन्हें एक लॉन्ग शटर स्पीड वाले लो लाइट में फ़ोटोज़ कैसे कैप्चर करने, वो जो लिखते हैं ना वो फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से वैसे कैसे क्लिक करते हैं, हमने एक ट्राई किया था। और एस्ट्रो फोटोग्राफी भी ट्राई की थी जो कि काफ़ी ठीक ठाक आई, मोबाइल का शटर स्पीड बस 10 ही है, तो कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ आई। कंपेयर टू यस्टरडे आई एम फीलिंग रियली नाइस, एंड जैसे कि आप सब देख रहे हैं। और इवन मुझे पता है मुझे काफ़ी डीएम्स आए, आपने कैच करा था आप, पता नहीं आपने कैच किया, अभी जस्ट मैंने नाश्ता किया था और वैसे ही शूट करने के लिए आ गया। इतना केयरलेस है प्रतीक तू। ये देखो ऐसे अनाउंसमेंट होती है यहाँ पर, अगर आपको चेकअप वगैरह कर रहे हैं, डॉक्टर भी आ गए, आपका नाश्ता भी आ गया, आपका लंच भी आ गया। बी बिल्डिंग कोणाचा जे का प्राइस असेल तर खाली या। चला उनका ब्लॉग देखने के बाद मुझे पर्सनली काफ़ी डीएम्स आए, जैसे कि ओंकार हो गया मेरा दोस्त, शुक्ला जी हो गए मेरे एक दोस्त है, साक्षी हो गया, यश हो गया, आदित्य मौर्य हो गया जो कि हमारा एक फैमिली मेम्बर है, कित हो गया मेरा फ्रेंड है काफ़ी अच्छा, सब ने कमेंट किया था कि भाई खुद की केयर किया कर, क्योंकि डेली ब्लॉग्स तो मुझे करने हैं भाई साहब। ब्लॉग में मैंने कमेंट बैन की थी, जब तक नेगेटिव ना आता तब तक भाई साहब डेली ब्लॉग सॉर्टेड। बात मतलब कर मेरे पापा ने एक स्टीमर लाया था, उसके अनबॉक्सिंग भी करने जी, मतलब डेली वाली एक्टिविटीज़ है तो डेली ब्लॉग में दिखाना काम ही है भाई साहब मेरा, इसलिए उसके अनबॉक्सिंग भी करेंगे। आप लोगों से कहा है कि हमारे इस चैनल पर एक्सपीरियंस की बातें होती, जैसे कि मैंने कहा एक्सपीरियंस मैटर्स, और कोविड का एक्सपीरियंस आ चुका है। अभी पता है मैं जस्ट वीडियो एडिट करने के लिए बैठने वाला था, बट अभी मुझे याद आया कि मैंने आपको टेरेस दिखाया नहीं, तो मुझे पहले दिन दिखाना चाहिए था जो हमने नहीं किया। तो टेरेस पर आ चुके,
जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी धूप है, गलती से हमारा सनस्क्रीन हम घर पर ही भूल गए थे, और मैंने चाहता कि यहाँ से जाने के बाद मैं टैन हो जाऊँ। काफ़ी कंस्ट्रक्शन शुरू यहाँ पर, सिनेमैटिक्स देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ तरह के हमारे टेरेस था, और बैक टू रूम। ऑलराइट, जैसे कि आपने देखा कि कुछ इस तरह से हमारा टेरेस था, और भाई साहब मैं जल्दी नीचे आ गया क्योंकि गर्मी काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब एक तो टी शर्ट वो भी हाफ स्लीव, काफ़ी गर्म हो चुका है ऊपर, और पूछे मत। तो इवनिंग के टाइम काफ़ी से इन्वायरमेंट होता है ऊपर जाने के बाद, और काफ़ी लोग वहाँ पर टहलने के लिए आते, बट सब कुछ मास्क पहनते। अब ये मत कहिए कि भाई तूने मास्क नहीं पहना, और जो भी है यहाँ पर होने के बाद भाई साहब फुल टू प्रिकॉशन। आप देखिएगा, अगर नीचे वगैरह कोई कभी मैं घूमने गया ना, तो सैनिटाइज़र की बॉटल, वेट आपको दिखा रहा हूँ, ये सैनिटाइज़र की बॉटल जब मैं घर से आया था ना, पूरी भर चुके थे। पता है कि 3-4 दिन हो चुके मुझे आकर, और वैसे में आप देख रहे, मतलब लगभग यहाँ तक ही रह चुके बॉटल पूरा, इतना ख़त्म। और अभी भी ऊपर आने के बाद सैनिटाइजेशन, पता है आपको, अगर आप विलेज में जाओगे जहाँ पर मतलब काफ़ी लोग अनएजुकेटेड होते हैं, उन लोगों को सैनिटाइज़र क्या होता है एक्चुअली वो पता नहीं था। बट जब से कोविड आ चुका है ना, तो सबके केयर करने में सब हाइजीन के पीछे लग चुके हैं, सबको सैनिटाइज़र क्या होता है सबको पता है। काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि सैनिटाइज़र की इम्पोर्टेंस क्या होती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। कोविड की वजह से कितने एजुकेटेड भी हो रहे हैं लोग। और एक फिलॉसफी है जो आपको कल वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग गाइस, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए और हेल्पफुल लगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छे लगे तो आपकी दिल की प्यारी बात है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और इंस्टाग्राम जाकर चेक कीजिएगा, अच्छा लगे फॉलो। और ब्लॉग की सीरीज़ मेरी जब से स्टार्ट हो चुकी है, हमारा लाइफस्टाइल का कंटेंट काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मुझे मतलब बैलेंस बना के रखना है, बट यहाँ से जाने के बाद फिर से रूटीन वही। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड ब्लॉग, प्रतीक मोरडे साइनिंग आउट।